हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फुटबॉल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स कंपोजिट मैथ्स का एक्सरसाइज 1H को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको स्टडी करा चुके हैं। अगर आपको इस यूनिट में किसी भी एक्सरसाइज को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। और प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लास में इसको वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस में। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चूज द बेस्ट एस्टिमेट फ्रॉम द पॉसिबल आंसर। मतलब जो पॉसिबल आंसर है उनमें से बेस्ट एस्टिमेट क्या है वो जो आपको चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन। ठीक है, इसको मान लो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो ये आंसर आपको टिक कर दो। इसको 30 मानो, 13 × 7 करेंगे तो 210 आएगा आंसर, इसको टिक कर दो। इसको 700 मानो क्योंकि 700 के करीब है ये, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आंसर, टिक कर दो। ये 90 मानो, 90 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, ये टिक कर दो। ये आपको 80 मानो, 18 × 2 करेंगे तो 160 आएगा, ये टिक कर दो। ये आपको 200 आएगा, 200 × 4 करेंगे तो 800, इसको टिक कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, एस्टिमेट द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, देखो इसको, ये 40 के करीब है तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28, यानी 280 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, 40 × 7 है वो, सॉरी 38 × 7। ठीक है, 38 40 के करीब है तो 40 × 7 करेंगे, 280 आंसर। ठीक है, ये 45 है, ये 67 है, 45 50 के करीब है, 67 70 करीब है, 67 70 करीब है, सो 15 × 70 करेंगे तो 3500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 225 जो कि 200 के करीब है और 8 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4550 करीब है, 4550 के करीब है, 2120 के करीब है, 20 × 50 करेंगे तो 1000 आंसर। ठीक है, ये 48 है, 48 50 करीब है और 73 70 करीब है, 17 × 50 करेंगे तो 3500, यानी कि 3500 आंसर। ठीक है, 600 × 600 करीब है, 45 50 करीब है, 15 × 600 करेंगे तो 30000। ठीक है, ऐसे ही ये आपका 715 700 करीब है और 377 400 करीब है, 700 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। ठीक है, ये आ जाएगा 2,80,000। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, द हेडलाइन रीड ए मिलियन वोटेड टूडे। ठीक है, एक हेडलाइन है, ए मिलियन वोटेड टूडे, एक्चुअली इतने पीपल वोट ईच आवर, मतलब एक घंटे में इतने पीपल वोट करते हैं। ठीक है, और जो वोटिंग है वो 12 आवर चलती है, मतलब एक घंटे में इतने पीपल वोट करते हैं तो 12 आवर्स में कितने करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक हेडिंग, मतलब हेडलाइन लिखी हुई है कि भाई 1 मिलियन पीपल वोट इट टूडे। ठीक है, तो क्या है? सही है, हमें ये बताना है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि यस। ठीक है, ये सही है, बिकॉज 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख। और अगर हमें देखें इसको एस्टिमेट करें तो ये 90,000 है, और 90,000 इनको 90,000 इसका एस्टिमेशन है, 90,000 से अगर हम 12 का एस्टिमेशन 10 होगा, 90,000 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 लाख आएगा। ठीक है, और 9 लाख को हम 1 मिलियन कह सकते हैं क्योंकि 9 लाख भी 10 लाख के ही करीब है। ठीक है ना, सो ये स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो आपको ये वाला आंसर राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 1H एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।